जय रघुनंदन, जय श्री राम। मैं हनुदास एक बार फिर से आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल द मिस्ट्री ऑफ इमॉर्टल टॉक्स में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम थोड़ा सा डीपली उतरकर हर एक पॉइंट को क्लियर करने की कोशिश करेंगे विद प्रूफ, क्योंकि हमारा पर्सनली मानना है कि अगर हम किसी चीज़ को एक्सप्लेन कर रहे हैं तो उसका एक्सप्लेनेशन इतना सरल होना चाहिए कि एक 5वीं क्लास का छोटा बच्चा भी उन चीज़ों को आराम से समझ सके। कहने का तात्पर्य यह है कि आज की वीडियो में हम आप सभी लोगों को भविष्य में घटने वाली उन दुर्घटनाओं के बारे में बताने वाले हैं, जिसके माध्यम से आप सभी लोगों को ये पता लगने वाला है कि आने वाले भविष्य में कौन कौन से संकट पृथ्वी लोक के ऊपर मंडरा रहे हैं, और इसी के साथ क्या 2023 से युग परिवर्तन की शुरुआत हो चुकी है या होने वाली है। इसके बाद क्या भगवान विष्णु ने अंतिम अवतार, जिसे हम कल्कि के नाम से जानते हैं, हो चुका है या नहीं। इसी के साथ सबसे अंतिम जानकारी, आप सभी लोगों से अगर हम ये प्रश्न पूछें कि क्यों चिरंजीवी गुरुपिता श्री हनुमान जी ने आप सभी लोगों को घुमा फिरा करके पूरे YouTube में इसी चैनल पर लाकर छोड़ा है, तो क्या आप सभी लोग इस बात का जवाब दे पाएंगे। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम इस चीज़ का भी खुलासा कर देते हैं। बहुत समय पहले श्री हनुमान जी ने एक आत्मा को जागृत किया था और उन्होंने उससे यही कहा था कि जब तू उस लायक हो जाएगी, जब तू मेरे द्वारा दिए गए ब्रह्म ज्ञान को आत्मसार कर लेगी, तब धीरे धीरे उसी ज्ञान की सहायता से तू अन्य आत्माओं को जागृत करना शुरू कर देगी, जो सीधा मेरे चरणों से जुड़ते हुए उस सर्वशक्तिमान भगवान श्री हरि विष्णु जी के चरणों से जुड़ करके अपने जीवन के मुख्य उद्देश्य को समझना शुरू कर देंगी। आज हमारे चैनल पर 1,00,000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हैं, लेकिन हमारे दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये सब्सक्राइबर्स नहीं बल्कि 1,00,000 आत्माएं हैं, जिन्हें धीरे धीरे उचित समय में श्री हनुमान जी की वाणी प्राप्त हो रही है, जो धीरे धीरे अपने जागृति विन्यास पर कार्य कर रही हैं और अपने जीवन के मुख्य उद्देश्य को समझ रही हैं। इसी के साथ अभी कुछ ऐसी आत्माएं बची हैं जो ये मानती हैं कि रामायण और महाभारत काल्पनिक कथाएं हैं, जो साइंस को इतना दर्जा देती हैं ऊपर का कि उनके सामने भगवान भी छोटे पड़ गए हैं। आज की वीडियो में कहीं ना कहीं टांग खींची जाएगी ऐसे लोगों की, इसलिए जो लोग भगवान में सच्ची श्रद्धा रखते हैं ना, केवल वही लोग वीडियो को देखें, वही लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर जरूर करें। क्यों? क्योंकि इस चैनल के माध्यम से श्री हनुमान जी का वो हजारों साल पुराना रहस्यमय ज्ञान बाहर निकल रहा है, जो आज के समय में ना ही किसी ग्रंथ में है, ना ही वेद में है, ना ही पुराण में है। एक समय पर होगा, लेकिन जैसे जैसे समय बदला है वैसे वैसे वो सब चीज़ें वहाँ से लुप्त हो गई हैं। कुछ गिनी चुनी आत्माओं के माध्यम से श्री हनुमान जी का वो दिव्य ज्ञान लिखित पंक्तियों में हम तक पहुँच रहा है और हम एक वीडियो के माध्यम से आप तक पहुँचा रहे हैं। इसलिए वीडियो के साथ अंत तक बने रहें, अनेकों प्रकार की रहस्यमय बातें होंगी, तो बिना समय खराब करते हुए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। ले चलते हैं आप सभी लोगों को भूतकाल की उन गलियों में। 18 जनवरी 2023 की रात को क्या हुआ था किसी को नहीं पता, आज खुलासा कर देते हैं। हमने आप सभी लोगों को कहा था कि हमने स्वयं ब्रह्मांड में यानी आकाश में कुछ मुहूर्त बनते हुए देखे हैं तारों की सहायता से। सब लोगों ने उसको नाम दे दिया ओरायंस बेल्ट, जो कि 100% सही है। हमने अंधेरे में एक तीर छोड़ा था, लेकिन वो तीर सही जगह पर जाकर लगा नहीं। हम आप सभी लोगों को कुछ और दिखाना चाहते थे, लेकिन आप सभी लोगों का ध्यान चला गया ओरायंस बेल्ट की तरफ, क्योंकि हमने उस चीज़ का जिक्र किया था। हम ये चाह रहे थे कि कुछ लोग उस चीज़ को देखते हुए उस चीज़ के ऊपर भी अपना ध्यान डालें जो आपकी नज़रों से बहुत दूर है। दरअसल तारों के समूह ने एक ऐसी आकृति को जन्म दिया जो मिल करके स्वास्तिक का निशान बना रहे थे। जी हाँ दोस्तों, स्वास्तिक वही चिन्ह है जो हमारे सनातन धर्म में बहुत पवित्र माना जाता है, जो हम अक्सर कलश पर बनाते हैं। इसी के साथ साथ ज्योमेट्री में एक हेक्सागन नाम की एक आकृति होती है जिसके 6 कोने हैं, अगर हम गलत नहीं है तो। इस प्रकार की भी आकृतियां बनाई तारों ने मिलकर के, जिसमें कुछ लाल तारे, कुछ सफेद तारे और कुछ ऐसे तारे थे जो बहुत बड़े आकार में दिख रहे थे। इसी के साथ साथ कुछ तारों ने मिलकर फूलों की भी आकृति बनाई। बहुत लोगों ने हमें फोटोज़ भी भेजी थी। कई लोगों ने DSLR की मदद से और टेलीस्कोप की मदद से उन चीज़ों को देखा, वो बहुत दूर थी इसलिए हम उन चीज़ों को नहीं देख पाए, लेकिन इस चीज़ को अब यहीं रोकते हैं। हो सकता है ये बातें अभी इस समय आपके दिमाग में ना जाएं, लेकिन अब बात करते हैं उस न्यूज़ के बारे में जो वर्ल्ड वाइड चल रही है। इससे आपको पता चल जाएगा कि हम क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं कि 18 जनवरी को जब हमने अपनी वीडियो अपलोड करी, ठीक 3 दिन बाद एक न्यूज़ बाहर आई जो इस समय वर्ल्ड वाइड चल रही है।
उस न्यूज में ये बताया गया था कि जो अर्थ का इंटरनल हिस्सा है जिसे कोर कहा जाता है वो घूमना बंद हो चुका है, इस समय विपरीत दिशा में घूम रहा है और उसकी जो स्पीड है वो बहुत धीमी हो चुकी है। कहने का अर्थ यह है कि पृथ्वी के गर्भ में जो उथल पुथल हो रही है ना, उसका जो एक परिणाम है बहुत लंबे समय के बाद बाहरी सरफेस पर आप सभी लोगों को देखने के लिए मिलने वाला है। अब इस चीज से क्या दुर्घटनाएं होने वाली हैं पृथ्वी लोक पर, इसे भी जान लेते हैं। सुनने में ये भी आया है कि पृथ्वी ने अपने ऑर्बिट को चेंज किया है, जिस गति में वो घूमती है उस चीज को भी उसने चेंज कर लिया है। अब इससे क्या होने वाला है, जो सूर्य की नकारात्मक शक्तियां हैं वो सीधा अर्थ के अंदर प्रवेश करेंगी, यानी पृथ्वी में सीधा प्रवेश कर जाएंगी। उल्का पिंड जो होते हैं जिसे हम एस्ट्रॉइड भी कहते हैं वो भी सीधा पृथ्वी की तरफ खींचे चले आएंगे। लेकिन पहले सतयुग में दोस्तों ऐसा नहीं हुआ करता था। भगवान श्री हरि विष्णु जी ने जब अभिशप्त आत्माओं को यानी असुरों को पृथ्वी से ऊपर यानी उसकी जो गुरुत्वाकर्षण जो एक लेयर है उससे ऊपर एक चादर में कैद कर दिया था, सूर्य से निकलने वाली नकारात्मक शक्तियां और रेज उस चादर से छन करके पृथ्वी लोक में प्रवेश किया करती थी, उसके वजह से सतयुग का जो एक वातावरण था वो बहुत शांत और पवित्र रहता था। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे युग बीतते गए वो चादर फटती गई और उसमें से धीरे धीरे असुर निकलकर पृथ्वी में प्रवेश करते गए हैं, और अब वो चादर पूरे तरीके से फट चुकी है, खंडित हो चुकी है, जिसकी वजह से ये सारी की सारी गतिविधियां पृथ्वी पर होने वाली हैं। अब बात करते हैं कि अगर ऐसा हुआ तो बहुत जल्दी अनेकों प्रकार के हाहाकार पृथ्वी पर मचेंगे, और अगर पृथ्वी सूर्य से दूर जाती है तो लंबे समय तक अंधेरे में गुम हो जाएगी। ये तो हमने रहस्यमयी बात आपको बताई है जो बहुत कम समय में शायद राम जी ना कर रहे, अगर हो भी गई तो आप सभी लोगों को स्वयं देखने को मिलेंगी। अब इसके बाद बात करते हैं तीसरे विश्व युद्ध की। जी हाँ दोस्तों, कहने को कुछ लोगों को ये भी संकेत मिले हैं कि आने वाले कुछ समय में, हम डेट फिक्स नहीं करेंगे, आने वाले कुछ समय में कुछ ऐसे देश जो बहुत शक्तिशाली हो चुके हैं, जो अंदर ही अंदर ऐसे न्यूक्लियर वेपन्स को जन्म दे रहे हैं जिनके बीच में कुछ ही समय में झड़प होने वाली है, कुछ ही समय में युद्ध छिड़ने वाले हैं, वो लोग आपस में लड़ने के बाद ऐसे न्यूक्लियर वेपन को लॉन्च करेंगे जिसकी वजह से मानव जाति को इतना जबरदस्त झटका लगेगा जैसे आपने हिरोशिमा और नागासाकी के बीच में देखा था। आदि मानव जाति का सफाया हो गया था, किस प्रकार से रेडिएशन फैली थी उसी प्रकार से ऐसा होने वाला है, ये स्पष्ट कहा गया है। जिस वायरस की हमने बात कही थी ये वही वायरस है, क्योंकि दोस्तों अगर इस प्रकार की दुर्घटनाएं होंगी, इस प्रकार के अगर न्यूक्लियर वेपन छोड़े जाएंगे तो आप स्वयं सोच सकते हैं कि पृथ्वी का हाल क्या होगा। अब बात करते हैं भगवान कल्कि के जन्म के बारे में। दोस्तों इस समय भगवान कल्कि धरती पर हैं या नहीं, इसका उत्तर हाँ भी है ना भी है, किस प्रकार से आइए समझ लेते हैं। त्रेता युग में भगवान श्री राम जी ने जब जन्म धारण किया था तो उस समय वैकुंठ धाम से भगवान श्री हरि विष्णु जी की परम आत्मा राम जी के किरदार में पहले से ही जन्म ले चुकी थी, लेकिन शुक्राचार्य ने उसी समय रावण को राम जी के समक्ष खड़ा कर दिया था जिसका मुख्य केंद्र लंका था। लंका में सारे के सारे असुर धीरे धीरे पनप रहे थे, और इसके बाद जब भगवान श्री हरि विष्णु जी ने द्वापर युग में कृष्ण रूप धारण करा था तो उन्होंने फिर से उसी देह में अपनी परम आत्मा के साथ प्रवेश किया था, जिसके माध्यम से कंस जैसे दुराचारियों को पता चल गया था कि स्वर्ग से वैकुंठ धाम से भगवान श्री हरि विष्णु जी ने देह धारण किए हैं, उन्होंने जन्म धारण करा है, इसलिए उसने बचपन में भगवान कृष्ण को मारने के लिए असुरों की टोली भेजी थी। लेकिन दोस्तों इस बारी भगवान श्री हरि विष्णु जी ने बहुत रहस्यमय रणनीति से अवतार धारण करने की सोची है। दरअसल वे इस समय एक साधारण मनुष्य के रूप में विराजमान है, लेकिन जब उचित समय आएगा तब उनकी परम आत्मा जो भगवान विष्णु की परम आत्मा इस समय वैकुंठ धाम में विराजमान है उस किरदार में प्रवेश कर जाएगी, और जब ऐसा होगा तब दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य को पता चल जाएगा, तब युद्ध होने शुरू हो जाएंगे। क्योंकि त्रेता युग और द्वापर युग में जब भगवान श्री हरि विष्णु जी ने सीधा डायरेक्ट अवतार धारण किया था राम जी और कृष्ण जी के रूप में, तो उन्हें बचपन से ही मारने की प्लानिंग बनाई गई थी। जैसे कि आपने देखा है कि भगवान कृष्ण के ऊपर बचपन से ही हमले करने शुरू कर दिए थे कंस के राक्षसों ने, इसलिए इस बारी उन्होंने बहुत रहस्यमय तरीके से अवतार धारण करा है कि जानकारी आई है उस जगह से जहाँ से कली हनुमानी आई है, कुछ चीज़ें हम बाहर निकाल रहे हैं, और जब युद्ध समाप्त हो जाएंगे जो आत्माएं उनकी सेना में शामिल होगी उन्हें मुक्ति सागर में प्रवेश मिलेगा अर्थात मोक्ष को प्राप्त होंगी, जो आत्माएं नहीं मानेंगी वो अगले कल्प के लिए सुर असुर बनेंगी,
सतयुग में सुर प्रवेश करेंगे, अनेकों प्रकार के सुखों का लाभ लेंगे और असुर जो हैं वो फिर से पृथ्वी से ऊपर, जो गुरुत्वाकर्षण की जो एक लेयर है उससे ऊपर एक निर्माण होगा चादर का, फिर से उन असुरों को उसमें कैद कर दिया जाएगा। ये जो त्रेता युग, द्वापर, सतयुग, कलयुग जो ये चल रहे हैं, ये कल्प के तौर पर घटित हो रहे हैं। ये कोई पहला कलयुग नहीं है दोस्तों, इससे पहले न जाने कितने कलयुग निकले हैं, लेकिन हमें उन चीजों का बोध नहीं है। केवल एक जागृत आत्मा ही उस परम ज्ञान के माध्यम से उन चीजों को भांप सकती है। हमें जो इंट्यूशंस होते हैं, हम धीरे धीरे ध्यान के माध्यम से एक वीडियो के रूप में आप सभी लोगों तक पहुंचा देते हैं। कहने का मतलब ये है कि जितना जल्दी हो सके जागृति विन्यास पर कार्य करना शुरू कीजिए, क्योंकि आप सब लोगों के पास यहाँ रहने के लिए परमानेंट एड्रेस नहीं है। बहुत जल्दी ये सब चीजें खंडित होने वाली हैं, क्योंकि इस बारी भगवान श्री हरि विष्णु जी शरीर को नहीं बचाएंगे, वो सिर्फ आत्माओं को बचाएंगे। इसलिए जितना जल्दी हो सके आप सभी लोग श्री हनुमान जी के चरणों से जुड़िए। ऊपर आई बटन पे क्लिक करके वो वीडियो अवश्य देखिए कि श्री हनुमान जी को गुरु कैसे बनाएं। साथ ही वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ अमेज़न का, क्लिक कर पहुंचे, वहां से किंडल वर्जन के रूप में कली हनुमानी प्राप्त कीजिए 151 की धनराशि देख करके, क्योंकि हो सकता है आप में से कुछ ऐसी आत्माएं हों जिनकी जागृति अभी होनी बाकी रह गई हो। दोस्तों मोटा मोटा ज्ञान आपको दिया है कि आने वाला समय बहुत भयंकर है, इसलिए कुछ भी हो सकता है, जागृत रहें, हर एक गलत सोच को नकारें और प्रार्थना करें, राम जी के नाम से जुड़े रहें। बहुत जल्दी आप सभी लोगों का कल्याण होगा। अगर श्री हनुमान जी की आज्ञा रही तो धीरे धीरे वो रहस्यमय ज्ञान कुछ कुछ वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाते रहेंगे। बहुत जल्दी आप सब लोगों के समक्ष होंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, जय बजरंगबली।